राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा पत्रकारों से संवाद साधा। इस दौरान फडणवीस बोले कि आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। 370 कलम को हटाया गया है, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। साथ ही पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर बोलते हुए फडणवीस ने कहा कि 370 पर बोलने का अधिकार उद्धव ठाकरे को नहीं है। वो कभी इधर कभी उधर बोलते हैं, उनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। साथ ही प्यास के मुद्दे पर बोलते हुए कई सवाल उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रखे। भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला दिवस होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया हुआ फैसला 370 को हटाने का, इसको वैध ठहराया है। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके कारण जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक नई शुरुआत, एक नई सुबह हुई है। वैसे भी जिस समय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संसद ने इसको हटाने का निर्णय लिया, उसके बाद हमने यह देखा लगातार आतंकवादी घटनाएं कम होती गई, विकास बढ़ता गया और जिस प्रकार से टूरिज्म के माध्यम से वहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ वो भी देखने लायक है। ऐसे में आज का फैसला ये मील का पत्थर साबित होगा और किसी के मन में भारत की एकता और अखंडता के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में यत्किंचित भी शंका होगी तो आज उस शंका को भी समाप्त करने का काम ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से हुआ है। और मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू और कश्मीर ये बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ के लोगों की आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला राज्य बनेगा। और जिस प्रकार से हम कहते हैं कि भारत का मुकुट ये जम्मू कश्मीर है, ये मुकुट निश्चित रूप से आने वाले दिनों में चमकेगा और धमकेगा।